तो ये ग्लूगन का पैकेट जो कि मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से मात्र 180 रुपये में। जी हाँ, केवल 180 रुपये में। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वेरी फोर वीडियोस, और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस 180 रुपये वाले ग्लूगन के बारे में, जिसमें मुझे फ्री मिले हैं पूरे के पूरे 10 ग्लू स्टिक। तो काफ़ी अमेजिंग बात है। ये देखिए, इसका बिल 180 रुपये का बिल है। मेरे पास प्राइम मेम्बरशिप थी, इसलिए मुझे केवल 180 रुपये की ही पड़ी। और ये देखिए, इसके 10 अमेजिंग से दिखने वाले ग्लू स्टिक। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये छोटे साइज वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम की चीज़ हैं। और एक तो 10 फ्री मिल गए, तो काफ़ी अमेजिंग बात है यहाँ पे। और ये कुछ, ओ माय गॉड, ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। जब यहाँ पे रोशनी आती है तो कितनी अच्छे तरीके से ये जलने लगते हैं, तो काफ़ी अमेजिंग बात है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ बड़े साइज वाले ग्लू स्टिक। एक बड़े साइज वाले ग्लूगन भी आती है, जिसमें कि बड़े साइज के ग्लू स्टिक पड़ते हैं। ये इसके लगभग 2 गुने साइज के हैं, ये देखिए। और ये छोटे साइज वाली है। तो मशीन भी इसकी केवल 20 वाट की है, और उसकी मशीन 40, 60 और 100 वाट तक की आती है। तो ये देखिए, हमारी 180 रुपये की ग्लूगन। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हैं, लेकिन चले पहले हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। अगर आपको पढ़ना है कि बॉक्स में क्या लिखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, और कॉजन भी पढ़ लीजिएगा, और आगे भी कुछ डिटेल्स हैं। तो ये रही हमारी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी ग्लूगन, लेकिन केवल क्यूटनेस ही मायने नहीं रखती है। इसे चला के देखेंगे और देखेंगे कि ये कितनी अच्छी तरीके से वर्क करती है, क्या ये पूरे पैसे वसूल करती है या नहीं, वो सब कुछ देखेंगे हम लोग इसी वीडियो में आगे। चले इसे ऑन कर देते हैं और इसमें अपनी ग्लू स्टिक लगाते हैं, और फिर इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से वर्क करती है। अगर बात की जाए स्मूथनेस की, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है मेरी पुरानी ग्लू गन के मुकाबले, जो कि मैंने 250 रुपये में ख़रीदी थी। वो भी मैं आपको वीडियो को लास्ट में दिखाऊँगा। और इसकी कीमत 180 रुपये है, और पुरानी वाली 250 की थी। चलिए ग्लू स्टिक को अंदर की तरफ ढकेलते हैं। बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, ये पूरी जा चुकी है अंदर। तो चलिए इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गया है और ये पूरी तरीके से यूज़ करने लायक हो गई है। यहाँ पे थोड़े स्केच पड़ गए हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़बरदस्ती इसे घुसोड़ने की कोशिश करी, जबकि अंदर जा चुकी थी। तो चले इसे 3-4 जगह पे लगा के चेक करते हैं। ये पहला, और ये है दूसरा। हम लोग इसे बाद में उचाड़ के भी देखेंगे, ताकि मालूम चल जाए कि कितनी मजबूती से जुड़े थे। तो अभी तो केवल जोड़ रहे हैं, वीडियो के लास्ट में हम लोग इसे उचाड़ के भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 अलग अलग तरीके ढक्कन और कागज़ में ग्लूगन से चिपकाया। और ये देखिए मेरी नई वाली, और ये है मेरी घटिया पुरानी वाली ग्लूगन, जो कि 250 रुपये की थी और केवल 2 ग्लू स्टिक फ्री थी, लेकिन कोई काम की नहीं, एकदम घटिया क्वालिटी की थी, फेंको साले को। और ये मेरी केवल 180 रुपये वाली ग्लूगन। चले एक पेन में भी कुछ चिपका के देखते हैं। पेन में लोहा चिपकाएंगे हम लोग। तो ये चिपकाया, तब तक ये सूखता है। हम लोग बात करते हैं इस ग्लू गन के बारे में कि ये लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, 180 रुपये में मुझे नहीं लगता आपको इससे बेहतरीन कोई ग्लू गन आपको कहीं पे मिलने वाली है, ख़ासतौर पे ऑनलाइन। आप लोग बेहिचक बिना किसी दिक्कत के इस ग्लू गन को ले सकते हैं अमेज़ॉन से। अगर आपके पास प्राइम मेम्बरशिप है, तो आपको कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगेंगी। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये छोटे साइज वाली है, इसमें छोटी यानी कि कम चौड़ी ग्लू स्टिक पड़ती है, लेकिन फिर भी काम में एक नंबर है। काम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम स्मूथ काम करती है। अगर बात करी जाए रेटिंग की, तो मैं इसे दूंगा 10 में से 8 की रेटिंग, बहुत बढ़िया है। तो चलिए अपनी सारी सामानों को उछाड़ उछाड़ के देखते हैं। ये तो अभी चिपकाई थी, तो आसानी से उछड़ गई। ये वाली मजबूती से चिपकी है भाई, अच्छी क्वालिटी की ग्लू स्टिक थी यहाँ पर। ये वाली देखते हैं,
इसमें तो कागज ही उछाड़ आया, मतलब ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से चिपकी थी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। हम लोग इसे भी उछाड़ के देख लेते हैं, ये भी मजबूत चिपका था।